Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. जहां ऑनलाइन शॉपिंग ने तमाम व्यापारियों के कारोबार ठप कर दिए हैं, वहीं ऑनलाइन दवा कारोबार ने भी देश के करीब 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। कारोबार से हाथ धो चुके इन तमाम विक्रेताओं ने भारत में आवाज उठाई है और सरकार से इन पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसे हालात में होलसेलर एंड रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन ने व्यापार बचाओ सम्मेलन का बिगुल बजा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह सम्मेलन 13 फरवरी को गढ़ रोड मेरठ स्थित राधा गोविंद मंडप में आयोजित किया जाएगा। शनिवार को मेरठ में एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक गोपाल अग्रवाल ने मीडिया से बात की। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए एक हफ्ते के अंदर दोबारा से, तो क्या इसका मतलब, क्या किस लिए आपने आयोजित किए दोबारा से, और जो परसों जो प्रोग्राम होने जा रहा है 13 फरवरी को, क्या उसका बेनिफिट? 13 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दवा विक्रेताओं का सम्मेलन मेरठ राधा गोविंद मंडप में होने जा रहा है। जो कंपनियां डॉक्टरों को सीधी दवाई दे देती हैं, डॉक्टर GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। जो कंपनियां डॉक्टर को दवाई देती हैं वो 50% डिस्काउंट दे, मतलब हम हमसे अलग 40% दे रहे हैं, कोई कंपनी डायरेक्ट में 70 भी दे रही है, कोई 60 भी दे रही है, और डॉक्टर उस दवा को पूरे प्रिंट की वैल्यू पर मरीज को बेचता है और सरकार को उसमें एक भी पैसा नहीं मिलता। हमने कैलकुलेशन की मोटी मोटी कि अगर हम मेरठ जनपद को ही लें तो 30 करोड़ रुपये प्रति माह का सरकार का राजस्व GST की हानि हो रही है। तो सरकार से हमने कहा है कि इस चीज़ की जाँच की जाए और जो दवाएं डॉक्टर सीधे बेच रहे हैं या तो GST में रजिस्ट्रेशन कराएं और ड्रग लाइसेंस लें, वरना उनसे कहा जाए कि आप दवा बेचने के अधिकारी नहीं हैं। अगर ने नोटिस जारी किया है तो सबसे अच्छी उपलब्धि तो यह है कि हमारी बात सरकार ने सुनी है और कार्रवाई के लिए लिखा है कि 2 दिन में संतुष्टि कारण जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी दवा ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ। तो ये एक पॉजिटिव था। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि हमेशा जो लड़ाइयाँ हुई हैं वर्ग विशेष अपने लिए लड़ता रहा है, कोई भी वर्ग हो, ये पहला मौका है। हमने दृष्टिकोण बदलने की कोशिश की है कि हम अपनी लड़ाई के साथ साथ हमने 2 और बातों पर ध्यान रखा है। पहला जनता का, हमारा सीधा आप देखेंगे कि हमारे एजेंडे में दूसरा आइटम है कि जनता के लिए दवाइयां सस्ती की जाए। हमारे पास आधार है इस बात को कहने के लिए कि जब दवा कंपनियां किसी डॉक्टर विशेष को 40% अतिरिक्त, यानी कि जिस रेट पर हम बेचते हैं उसमें भी 40% का अलग डिस्काउंट डॉक्टरों को उपलब्ध करा देती है, तो हमने सरकार से कहा, ये मांग नहीं कर रहे हैं कि वो 40% हमको भी दिया जाए, हम ये कह रहे हैं कि वो 40% को आप MRP में क्यों ना कम करा दें, जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। ठीक है, ऑनलाइन से ऑनलाइन मेडिसिन खरीदते क्यों हैं? अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर खरीदते क्यों हैं? अब ये एक ऐसा है लुभाव जो चीज़ होती है ना, कि कई बार विज्ञापनों में ऐसा लुभाव देखने को मिल जाता है, हम आपके घर पे दवाई देंगे, अच्छा, आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, डोर पे आपकी पे दवाई जाएगी, बहुत से लुभाव दे दिए जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 square feet में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।